गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आइए आप लोग गर्मा गर्म खाना खा लीजिए, ठीक है? आ जाइए जल्दी जल्दी, आप सब आ जाइए। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी ठीक हूँ। आज मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं रेडी हो जाऊँ, तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस एक लिपस्टिक लगा ली है और थोड़ा सा मैंने बाल ऐसे पोनी बना दिया है, बस पोनी बना के जुड़ा बना दिया, बस उतना ही। और आप लोग बताइए कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मुझे काम है कुछ, जो बेड है उसको ठीक करना है एक काम, और किचन का जो कबर्ड वगैरह है ना उसको भी थोड़ा सा मुझे क्लीन करना है, क्योंकि आज हो गया है बुधवार, बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते और शुक्रवार को हम लोगों को जाना है, तो शुक्रवार को हम लोगों को टाइम नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ ये दो काम कर दूँ फटाक से। और किचन पोछना है, किचन आ रहा है, अभी तक पोछी नहीं है, आराम से पोछेगी अपना, ठीक है? ये है, चल रही हूँ करने, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और आज मेरे चेहरे पे थोड़ा ज़्यादा लाइट दिख रही होगी आप लोगों को, क्योंकि कल ना मैं पार्लर गई थी तो वहाँ से एक मैं क्या लाई हूँ, एक डिबिया लाई हूँ, पार्लर वाली ने दिया है, वो बोल रही थी कि छाई वगैरह सब हट जाएगी, तो हल्की हल्की, बहुत ज़्यादा तो छाई नहीं, हल्की सी छाई यहीं पे है, आज वो भी नहीं दिख रही है ये। हाँ ऐसे, हाँ देखिए ऐसे करने पे ये थोड़ी सी छाई दिख रही ना, यही है और इधर भी है वही से, तो आज कुछ कम लग रहा है, दो दिन तीन दिन हो गया लगाते। और देखिए अगर मेरा छाई ख़त्म हो जाएगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी कि क्या है, वो भी अपने दूसरे चैनल पे, अगर नहीं ख़त्म हुआ तो फिर नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? और एब्रो बनाते बनाते थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कट गया हल्का सा, तो यही है। बप्पू बहुत ज़्यादा हो जाती है, आप लोगों से बात करते करते कब टाइम पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। और चलिए जल्दी से काम कर लेते हैं, क्योंकि झाड़ू पोछा तो हो गया, यही तो काम है, क्योंकि काम वाली ये सब काम नहीं करती ना, वो सीधा सीधा झाड़ू पोछा बर्तन करके चली जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बेड सही करूँगी, बेड ऐसा सही करूँगी कि एक दो दिन तक वो ख़राब ना हो, ठीक है? आप लोगों को दिखाऊँगी भी कि बेड अभी मेरा ख़राब नहीं हुआ है, तो मैं देखिए किस तरह से सही करती हूँ कि बेड एक दो दिन तक सेम वैसा ही रहेगा, चलेगा। तो पिलो कवर थोड़ा सा मेरा फट गया है तो उसको भी सिलना है, उसको भी आज ही सिलूँगी क्योंकि कल हो जाएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार को मैं सुई हुई ज़्यादातर नहीं चलाती और बृहस्पतिवार के दिन ज़्यादातर छुट्टी वाला दिन रहता है मेरा, तो वही सब है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे हो, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और देखिए किस तरह से मैं बेड को अपने ठीक कर रही हूँ, तो यही सब है। और मैंने पर्दा लगा दिया था पहले ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो क्या बोलते हैं धूप आ रही थी ना, धूप की वजह से आँख से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और लाइट जला दिया, ठीक है? तो यही सब है। और वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके बाद में बेल आइकन है उसको बजा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। कॉमेंट कीजिएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है? और चलिए
ये काम करने के बाद पिलो कवर सिलना है, उसके बाद काम करना है वो किचन का जो मैंने आप लोगों से बताया, उसको भी थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। तो यही दो तीन काम है जो कि करने हैं मुझे, ठीक है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंजॉय करते रहिए। सो गाइस, ये तो काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं चल रही हूँ सिलाई करने, तो मैं सुई और धागा देख लेती हूँ कि मेरे पास ब्लैक कलर है कि नहीं। मैं इसी में रखती हूँ सब धागा वगा। तो मिल गया मुझे सुई धागा, लगे लगा ब्लैक कलर का। तो पहले जितना धागा लगा है उतना सिल लूँ, नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा धागा नया लगाऊँगी मैं, ठीक है। तो और बताइए आप लोग क्या हो रहा है। पिलो कवर ओवर इसलिए सिलाई कर रही हूँ, अभी एक दो पिलो और भी है सिलने के लिए, क्योंकि हमारे घर पे कोई आने वाला है। तो वो कौन आने वाला है तो मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। मेरे सास ससुर आने वाले हैं। हम लोग जिस दिन हम लोग घूम के आएंगे ना, उसी दिन सास मेरी आएंगी बेंगलोर से, फिर उसके बाद ससुर जी आएंगे मुंबई से, फिर मुंबई लेकर जाएंगे सासू माँ को, ठीक है। तो यही सब है। पिलो मैंने ज़्यादातर तीन चार पिलो मैंने बेड के अंदर डाल दिया है, चार ही पांच पिलो बाहर है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसको भी अच्छे से कर दूँ ताकि अच्छा लगे। और आरो क्या करता है ना कि आरो पिलो से खेलता है तो उसका जो धागा है वो निकल जाता है और वो फिर से सिलने लायक हो जाता है। अब वहाँ से आने के बाद एक दिन मैं उठाऊँ मशीन निकालूँगी और जितने भी कपड़े वगैरह हैं सब सिल के रख दूँगी। मेरी नाइटी वगैरह भी है, उसको भी सिलना है और बहुत सारे चीज़ हैं। आर्या के एक दो कपड़े हैं सिलने के लिए और मेरे एक दो सूट है जो सिलाई खुल गया है, उसको भी सिलना है। तो अगर इतना सामान मैं दूंगी बाहर तो काफ़ी पैसे लगेंगे, कम से कम 150-200 रुपए लग जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि मैं सिलाई मशीन घर पे है, एक दिन निकाल के सब सिल डालूं, ठीक है। तो यही सब है। तो घर पे थोड़ा बहुत बचत करनी चाहिए, जो बचत होता है वो हम गृहिणियों के खाते में जाता है। तो और घर में तो काम कुछ न कुछ लगा ही रहता है, जितना काम करो। तो चलिए ये धागा एक बार और डालेंगे और हो जाएगा हमारा कंप्लीट मिशन, ठीक है। तो यही सब है। और आप लोग ये सब काम करते हो कि नहीं ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, आज मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ, देखिए मैं इसको कब अपलोड करती हूँ। और वीडियो अपलोड करने के बाद मैं देखती हूँ कितने लोग कमेंट करके बताते हैं कि वीडियो मैंने फुल वॉच किया। आप लोग वीडियो बोल तो देते हो लेकिन वॉच नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करिए, ठीक है।
क्योंकि वीडियो कोई एक मिनट भी पूरा नहीं देखता, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, एंड तक देखा करिए वीडियो को। और दूसरे चैनल के लिंक चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हो गया है ऑलमोस्ट मेरा, और थोड़ी सी वॉइस आ रही होगी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आ रहा हो ना, ट्राइपॉड इधर उधर कर रहा है, इसके ऊपर ना बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान करता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलिए, सिलाई तो हो गई, अब चलते हैं। पहले मैं ना सिलाई ब्लाउज वगैरह सब सिलती थी, सूट वगैरह सिलती थी, अभी तो कुछ भी सिलने का मन ही नहीं करता मुझे। कढ़ाई करती थी, थोड़ा बहुत पेंटिंग भी करी हूँ मैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, मैंने दिखाया है। और थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, नेट वेट नेट होता है ना, उसको भी मैंने काढ़ा था बहुत सारा। वो है नहीं अभी मेरे पास, मैं मेरी ननद लोगों को दे दी, बट ये सब काम पहले बहुत करती थी, अभी कुछ भी करने का मन ही नहीं करता, पता नहीं क्यों। पहले तो इतना मन करता था कि किसी का देख लो तो ये होता कि ये बना लो, अभी तो ऐसा नहीं होता। तो यही सब है, तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय। तो अब मैं आ गई किचन में, और किचन की सफाई करने के लिए तो मैं यही बात कर रही थी कि किचन का जो ये ड्रावर वगैरह है ना, इसके बाहर का क्लीन करना है, एक दिन अंदर का भी क्लीन करना है। अब जैसा जैसा टाइम मिलेगा वैसा वैसा करती जाऊंगी, तो फिर वैसा वैसा मैं आप लोगों को दिखाती जाऊंगी, ठीक है। तो वीडियो देखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक बाय।
सो गाइस पूरा हो गया और थोड़ी सी कमर में दर्द हो रही थी इसलिए मैं ऐसी हो गई। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, तब तक बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, बाय बाय। काम कंप्लीट हो गया है, अब जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करूँगी। और तो सब काम हो गया है, मैं तो पसीना पसीना हो गई। एक हाउस वाइफ की लाइफ ऐसी होती है, दिन भर अगर काम करो तो दिन भर काम कुछ ना कुछ निकलता है, और काम ना करो तो कुछ भी काम नहीं निकलता। ठीक है, तो यही रहा आज का वीडियो, आशा करते हैं आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आएगा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।